जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर भ्रष्टाचार के नए आरोप लगाए हैं। स्वामी ने कहा है कि भारतीय मोबाइल कंपनी एयरसेल के सिंगापुर की कंपनी मैक्सिस के साथ विलय के दौरान चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने गलत तरीके से 200 करोड़ रुपए का फायदा कमाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह विस्तार से बताया है कि किस तरीके से वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने एयरसेल और मैक्सिस के विलय की फाइल को तब तक रोके रखा जब तक कि इस विलय की प्रक्रिया में 5% की हिस्सेदारी उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को नहीं दे दी गई। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक 5% की यह रकम लगभग 200 करोड़ रुपए बैठती है। दिस परमिशन व्हिच ऑट टू बी बीन गिवन इन एंड ऑफ 2005 और बिगिनिंग ऑफ 2006 चिदम्बरम डिलेड बिकॉज ही वांटेड अ कट। दिस इज माय एलिगेशन।